हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ओह गॉड, ये पॉल्यूशन भी ना मेरी स्किन खराब कर रहा है। ये देखो पिंपल आने वाला है। सबसे पहले तो हम आपका धन्यवाद करना चाहेंगे कि आप हमारी इस डॉक्यूमेंट्री में हिस्सा बनने के लिए राजी हो गए। सर, जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस डॉक्यूमेंट्री के जरिए सीरियल किलर्स की साइकोलॉजी यानी कि उनके मनोविज्ञान को बेहतर तरीके से जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो सर आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सीरियल किलर एक खास किस्म का मुजरिम होता है, एक खतरनाक किस्म का मुजरिम। इससे जो आम खूनी होते हैं उनके पास कोई मोटिव होता है, कोई वजह होती है खून करने के लिए, लेकिन सीरियल किलर नहीं, उसके पास कोई वजह नहीं होती, बस सिर्फ शौक पूरा करने के लिए या फिर मजे के लिए वो खून करते जाते हैं। उन्हें अक्सर लोगों पर या परिस्थितियों पर काबू रखने का जुनून होता है, फिर वो अपनी सीरियल किलिंग जानवरों पर भी ट्राई करते हैं, बाद में इंसानों पर। अच्छा, ये नहीं बता सकते कि वो किस या किन किन लोगों को अपना शिकार बनाएंगे। हो सकता है वो कोई लड़का हो या लड़की भी, कोई बूढ़ा हो या जवान भी, लेकिन एक बात है कि उनका जो पैटर्न होता है किलिंग का, वो दो तीन चार खून करने के बाद ही पता चलता है, और तभी हम धीरे धीरे उनका पीछा कर सकते हैं, तब तक नहीं। कई बार तो ये लोग महीनों तक अपने शिकार पर नजर रखे रहते हैं और जैसे मौका मिलता है तो टूट पड़ते हैं, मार डालते हैं। ये लाइट कैसे चली गई? गॉड, ये लाइट को भी अभी जाना था। कौन है? कई बार ये सीरियल किलर्स इतना क्रूर होते हैं, इतना सैडिस्टिक होते हैं कि अपने शिकार को तड़पते देखकर उन्हें बड़ी खुशी मिलती है। उनकी चीखें सुनकर उनकी आत्मा को सुकून मिलता है। बार ये सीरियल किलर्स अपने शिकार की कोई भी चीज अपने साथ ले जाते हैं उसको मारने के बाद, शायद अपनी जीत का मेडल समझकर। और फिर कुछ भी हो सकता है, किसी लड़की का झुमका हो या फिर अंगूठी हो किसी की, या फिर नाखून भी, यहां तक कि बाल भी ले जाते हैं, बाल भी। We'll be right back.
अक्सर अकेला रहना पसंद करते हैं, उनके कोई दोस्त नहीं होते, इसलिए लोगों को ऐसे लोगों से संभल कर रहना चाहिए जिनके हाव भाव में या बर्ताव में उन्हें कुछ अजीब सा नजर आए। वैसे एक बात है कि सीरियल किलर से बचना है, सावधानी बरतनी चाहिए, सावधान रहना चाहिए। हेलो, ये सभी पद्मनिया कहाँ पर? ठीक है, हम अभी पहुंचते हैं। ओके, थैंक यू। सॉरी, जाना पड़ेगा। नो प्रॉब्लम सर। सर लेकिन थैंक यू, आपने अपना कीमती समय हमको दिया। ऑल द बेस्ट फॉर योर डॉक्यूमेंट्री। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। फिर कभी मिलते हैं। ओके जी सर, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। ले जा। सालों की क्या बजे मोहन की? बस मौत की वजह अभी कुछ समझ में नहीं आ रहे, लैब में ले जा करके देखता हूँ। और डॉक्टर साहब ये निशान? हाँ दया, ये जो कुर्सी से बांधा गया है इसे रस्सियों से, उन्हीं के निशान है। बस मैं चलता हूँ, लैब में चेक करता हूँ। सर दिया ने ये पेंडेंट पहन रखा था। कोई खास पेंडेंट है क्या ये? सर इस पेंडेंट में एक जीपीएस बेस्ड सेफ्टी अलार्म है। अगर पेंडेंट पहनने वाला किसी मुसीबत में है तो इस पेंडेंट को दो बार प्रेस करने से पेंडेंट पहनने वाले के फोन की इमरजेंसी लिस्ट में जो भी कॉन्टैक्ट है उन्हें एक SOS मैसेज जाता है कि ये इंसान खतरे में है। तो दिया ने कल रात ये पेंडेंट दो बार दबाया था? हाँ सर। कितने बजे? सर 12:30 बजे। और इसका वो SOS वाला मैसेज वो किसको गया? सर उन दो लड़कों को। क्या नाम है तुम्हारा? समर। समर। नवीन। नवीन, क्या रिश्ता था तुम्हारा या के साथ? सर मेरी गर्लफ्रेंड थी। सर मेरी कॉलेज की दोस्त। जब दिया ने SOS मैसेज भेजा तुम दोनों को, तब तुमने कुछ किया क्यों नहीं? सर इसी बात का मुझे अफसोस है कि मैंने फोन साइलेंट पे क्यों रखा। अगर मैंने फोन साइलेंट पे नहीं रखा होता तो सर आज दिया जिंदा होती। फोन साइलेंट पे था और तुम्हारा? नवीन, तुम्हारा भी फोन साइलेंट मोड पे था? नहीं सर, सर मैं सो गया था पर पता ही नहीं चला मेरे फोन की बैटरी कब डेड हो गई। और सर इलाके की घटनाएं देखकर मैंने उसे ये पेंडेंट ला के दिया था सर, लेकिन क्या फायदा जबकि पेंडेंट उसके काम ही नहीं आया। उन घटनाओं के बारे में बोल रहे हो जो बाल कटे गए लड़कियों के? जी सर। हाँ सर, ऐसी घटनाएं बहुत हुई हैं यहाँ पे। ये दिया जैसे और भी बहुत लड़कियों के बाल काटे हैं लेकिन कभी किसी की हत्या नहीं की सर। और लोग तो ये भी कह रहे थे कि वो आत्मा आत्मा का चक्कर है। क्या कहा तुमने, भूत या आत्मा? मैं नहीं बोल रहा था सर, लोग कह रहे थे। सर इस इलाके की सारी लड़कियां डर के साए में जी रही है, सूरज डूबने से पहले खुद को घर में कैद कर लेती है। कुछ लड़कियों ने तो खुद ब खुद अपने बाल कटवा लिए और कई तो पंडितों और बाबाओं के पास जाने लगी। उन्हें लगता है बाबा के आशीर्वाद से उन्हें इस अनहोनी शक्ति से छुटकारा मिलेगा। ये किसी अनहोनी शक्ति का काम ही नहीं है, ये किसी इंसान का काम है, किसी इंसान का। सर इंस्पेक्टर सुशील इस केस में देख रेख कर रहे हैं। हाँ सुशील जी, बताइए। सर कुछ समझ नहीं रहा है,
इसने कई लड़कियों के बाल काटे पर मारा सिर्फ एक ही को है। सिर्फ एक ही लड़की को मारा हा? क्या मतलब है आपका? और भी लड़कियों को मारना चाहिए था? लानत है हम पर, हमारे होते हुए एक मासूम की जान चली जाती है। जल्दी से पकड़ना होगा इससे पहले कि और किसी मासूम की जान चली जाए, समझा? सर सारे डिटेल चाहिए मुझे अभी की अभी, जाइए। सर सर आप रेडी? ये रही इस बाल काटने वाले केस की सारी फाइलें, अभी अभी भिजवाइए इंस्पेक्टर सुशील ने। कितनी फाइलें भिजवाई? 8। अभिजीत फाइलों को अच्छी तरह से स्टडी करो, चेक करो, देखो और फिर एक एक लड़की के साथ बात करके भी देखो, पूछो उनको क्या हुआ था उनके साथ। दिया के बाद में और किसी भी लड़की की जान नहीं जानी चाहिए। अदिति आपने कहा कि आप बेड पे बैठी, आपने लाइट ऑफ किया, उसके बाद क्या हुआ? सर अचानक से एक तेज रोशनी मेरी आंखों में पड़ी और उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं, मुझे बस वो ब्राइट लाइट याद है और उसके आगे कुछ भी नहीं। चित्रा फिर उसके बाद क्या हुआ? कमरे की लाइट जाने के बाद मेरी आंखों में तेज रोशनी पड़ी और उसके कारण मैं कुछ देख ही नहीं पाई, मेरी आंखें बिल्कुल चौंधी आ गई थी। ईशा होश में आने के बाद फिर क्या हुआ? जैसे ही मेरी आंखें खुली मैंने देखा मेरे बाल कट चुके थे, मैं चिल्लाई और मैंने फिर पुलिस को कॉल किया। हाँ सर मैंने भी बहुत चमकीली सी रोशनी देखी थी, जैसा न्यूज में दिखाया सभी लड़कियों के साथ हुआ है ठीक वैसा ही मेरे साथ हुआ, उस भूत ने मेरे बाल सारे काट दिए। भूत नहीं मुझे। ये आपके हाथ में क्या है? सर मेरे बाल। आपके बाल? तो मुझे मैं आपके बाल काट के अपने साथ लेकर आएंगे? नहीं तो बड़ी अजीब बात है, इस मुजरिम ने जिन जिन लड़कियों के बाल कटे वो बाल अपने साथ लेकर गया, लेकिन इन चार लड़कियों के बाल काट कर बालों को घर पर ही छोड़ गया, ये कैसे हो सकता है और फिर क्यों? सर हो सकता है कि उन पे हमला हुआ ही नहीं, उन लोगों ने ये न्यूज में देखा होगा ये सब, तो पब्लिसिटी के लिए ऐसा दिखा रहे जैसे उनके साथ भी ऐसे कुछ हुआ। सर दो लड़कियों की दिमागी हालत थोड़ी ठीक नहीं है, उनको गलतफहमी हो गई कि उनके साथ ऐसा हुआ जबकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। मतलब सिर्फ चार लड़कियों पर हमला हुआ, आदिति, बानी, चित्रा और ईशा। यस सर। एक काम करते हैं फिर से वहीं से शुरुआत करते हैं जहां पर ये सब हुआ था, क्राइम लोकेशंस की फोटोग्राफ, सबूत, जो कुछ भी मिला है वहां से सबको दोबारा चेक करते हैं अच्छी तरह से, लगता है कुछ ना कुछ तो छूटा है हमसे जो इस बार मिलेगा जरूर। आदिति, बानी, चित्रा, ईशा, मिल गया। सर, हाँ, सर ये ईशा के घर पे जो मोमबत्ती थी, इस पे से ये फिंगरप्रिंट मिला है, खूनी का हो सकता है सर। अगर ये फिंगरप्रिंट उस मुजरिम की है, तो उसने बहुत बड़ी गलती की है। अभिजीत, हमारे क्रिमिनल डेटाबेस में चेक करो, देखो तो कोई पुराना पापी है क्या? सर, सर ये पुराना पापी है सर, मगर सिर्फ 17 साल का। 17 साल का? हाँ सर, ये 17 साल का बच्चा कुनाल है और कुछ महीने पहले शराब पीने के जुर्म में, अंडर एज ड्रिंकिंग में इसे गिरफ्तार किया गया था। तो एक 17 साल का लड़का ये सब कर रहा था? ये तो अब इस कुनाल से मिलकर ही पता चलेगा, वैसे सीरियल किलर्स को तो लत होती है शराब की, ड्रग्स की, ये रहता का है? सर ये चूनाभट्टी में रहता है। चूनाभट्टी? बस देर किस बात की, मिल लो इस कुनाल को,
चुना भट्टी। विश्वास नहीं होता, एक 17 साल का लड़का ये सब करने की सोच भी कैसे सकता है। कुणाल जी, आप कौन? सीआईडी। सीआईडी? शर्म नहीं आती? लिखाई पढ़ाई की उम्र में ये सब कर रहा है, हाँ? क्या सर? कौन है कुणाल? अरे सर, आप? ईशा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सर, ये मेरी मासी का घर है, मगर आप यहाँ? कुणाल से मिलने आए थे। कुणाल, ये मेरा कजन है सर। कजन? तूने अपने कजन के बाल काटे? सर, सर मैंने तो सिर्फ ईशा दीदी के साथ मजाक किया था सर। मैंने वो बाल काटने वाले मुजरिम के बारे में न्यूज़ पे सुना था सर, तो मैंने सोचा क्यों नहीं मजाक ईशा दीदी के साथ किया जाए। उन्होंने चिल्ला चिल्ला के सारा घर सर पे उठा लिया और पुलिस को फोन कर दिया सर। मैं डर गया था सर, इसीलिए मैंने वो बाल फेंक दिए और चुपचाप घर से निकल गया। तुमने इतना गंदा मजाक किया मेरे साथ। नहीं सॉरी, इसके लिए मैं तुझे कभी भी माफ नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। सॉरी सॉरी नहीं सॉरी सॉरी सर। सर मैंने सिर्फ ईशा दीदी के साथ ही मजाक किया था, बाकी किसी लड़की के बाल मैंने नहीं काटे सर। हम तुम्हारी बात का यकीन कैसे कर ले? आप चाहे तो मेरी मम्मी से पूछ लीजिए सर। सर जिस जिस दिन भी ये वाक्य हुआ है, उस हर रात को मैं अपने घर पे ही था सर। तुझे हर चीज मजाक लगती है ना, जानता है? जब भी वो पल याद करती हो ना, मेरा दिल दहल जाता है। सॉरी। शुक्र मनाओ, दोबारा गिरफ्तार नहीं कर रहे तुम्हें। अपनी आदतें बदल लो, वरना आगे चल के किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। सारे सीरियल किलर्स या सीरियल अटैकर्स अपने विक्टिम को एक एक पैटर्न पे चुनते हैं। हाँ बिल्कुल, दया वैसे होता है। याद है ना तुम्हें वो केस जिसमें किलर ने 40 और 50 साल के बीच वाले बिजनेसमैन को चुना था अपने शिकार के लिए? हाँ सर, एक केस में तो सर सीरियल किलर उन लोगों को निशाना बना रहा था जिनके पास लाल रंग की गाड़ी थी। ठीक उसी तरह लड़कियों के केस में भी कोई फिक्स पैटर्न है, कोई तो पैटर्न है। सर सभी लड़कियों की उम्र 20 से 35 साल के बीच है। और ये सभी इंडिपेंडेंट थे सर, नौकरी करती थी और घर में अकेले रहती थी। और सर सबसे इम्पोर्टेंट बात, सबके बाल लंबे थे, किसी भी छोटे बाल वाली लड़की के बाल नहीं काटे गए। यही तो मेन पैटर्न है, लंबे बाल वाली लड़कियां उन्हीं को चुनता ही है। और सर इनमें से भी कोई खास पसंद नहीं थी उसकी, ये बानी और दिया इनके घुंघराले बाल थे, अदिति और चित्रा इनके बाल स्ट्रेट थे। ये जो सीरियल किलर्स होते हैं सर, अब काफी स्पेसिफिक होते हैं अपने चॉइस को लेकर। हाँ एक बात कॉमन है कि इन सभी लड़कियों के पास वो कैंडल रखे गया। हाँ ये नॉट दया, एक बात नोटिस की तुमने? क्या हुआ सर? ये नॉट्स देखो, अदिति और चित्रा को जो बांधा था उसमें कुर्सी पर, उसके नॉट्स देखो, ये अलग किस्म की नॉट है। और दिया और मानी को जिस तरह से बांधा है जिस नॉट से, वो भी अलग है। दया इस नॉट को जो दिया और मानी को बांधा है, इस नॉट को बो लाइन नॉट कहते हैं, बो लाइन नॉट जैसे टाई का बो होता है। और इस नॉट को कहते हैं ट्रिपल बैरल नॉट, ट्रिपल बैरल नॉट। कोई अगर किसी को बांधेगा सर तो एक तरह का गार्ड इस्तेमाल करेगा। हाँ। यहाँ पे तो उसने दो अलग अलग नॉट इस्तेमाल किया, ऐसा लगता है कि ये हमें गुमराह करना चाहता है, या फिर इसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, स्किज़ोफ्रेनिक है ये। हाँ लेकिन दया सबसे पहले ये पता लगाना पड़ेगा कि ये अपनी शिकार चुनता कैसे, शिकार चुनता कब है और शिकार चुनता कहाँ पर। क्या सारी लड़कियां एक ही ऑफिस में जाती है, या एक ही जिम में जाती है, या किसी ब्यूटी पार्लर में जाती है? कोई ना कोई तो एक कड़ी है जो इन सबको बांधती है, एक कड़ी। पर क्या सर, ये दिया के दोस्त समर और नवीन, इनका कहना है कि जिस रात दिया का खून हुआ था उस रात ये लोग गरबा खेलने गए थे प्रेमल ग्राउंड पे। प्रेमल ग्राउंड? हाँ सर,
चित्रा भी वहीं पे गई थी डांडिया खेलने जिस रात उसके बाल काटे। आदित्य और बानी जरा पता लगा पंकज, क्या वो प्रेमल ग्राउंड पर डांडिया खेलने गई थे क्या? हाँ बॉस। दिया की मौत गला घोटने की वजह से हुई है। गला घोटने की वजह से? सर ये रही रिपोर्ट्स। सर हाँ सर, आपका शक सही निकला सर। अदिति और बानी दोनों उसी रात में डांडिया खेलने गए थे जब वो हादसा हुआ था। इसका मतलब है दया, ये मुजरिम प्रेमल ग्राउंड पे जाता है डांडिया प्रोग्राम में, किसी लंबे बाल वाली लड़की को चुनता है अपने शिकार के लिए। तो वहां से निकलने के बाद घर तक पीछा किया होगा, अब मौका मिलते ही जुर्म को अंजाम दे दिया। फिर तो इसे पकड़ना मुश्किल नहीं है दया। वो कैसे सर? फ्रेडी चूहे को पकड़ने के लिए उसे ललचाते हैं और फिर उसको ट्रैप में पकड़ लेते हैं, बस उसी तरह इस बार वो फिर से आएगा प्रेमल ग्राउंड पर डांडिया के प्रोग्राम में और हम वहां उसका इंतजार करेंगे। अगर सर नवरात्रि तो खत्म होगी ना, अभी अगले साल का वेट करना पड़ेगा। नवरात्रि खत्म हो गई तो क्या, डांडिया का प्रोग्राम हम फिर से रखेंगे, पूरे एरिया में एडवर्टाइज करेंगे, बैनर लगाएंगे और इस बार मुजरिम के लिए शिकार हम तय करेंगे, हम। कैसे सर? सिंपल है फ्रेडी, इस बार डांडिया के प्रोग्राम में होगी एक लंबे घुंघराले बाल वाली लड़की और एक दूसरी भी लड़की होगी लंबे सीधे बाल वाली। नकली बालों के एक्सटेंशन मेरे असली बाल लग रहे हैं। अभिजीत सब कुछ ओके? हाँ जया। ओके फाइन। हाय मैम। हाय। वाह आप तो बहुत सुंदर हो, आपका मेकअप बहुत अच्छा है, स्पेशली आपके कर्ली हेयर बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू। यू वेलकम। थैंक यू। आपकी भी ड्रेस बहुत सुंदर है। ओह थैंक यू। वैसे आपके बाल बहुत ही सुंदर हैं। स्ट्रेट करवाए हैं या नेचुरली ऐसे हैं? कुदरत की देन है। ओह Thank you.
सुनो, मेरे बाजू में एक लड़का डांस कर रहा है, वो कुछ गड़बड़ लग रहा है। तारिका कहाँ है वो? मेरे बाजू में ही था। यहाँ पे था तो गया कहाँ? उर्वी सर, तुम चलो, मैं तुम्हारे पीछे ही हूँ, डोंट वरी। ओके। आप जी तय, मैं पूर्वी के पीछे जा रहा हूँ, तुम तारिका के पीछे रहना। ओके ठीक है, मैं तारिका के पीछे जाता हूँ। ओके तारिका। हाँ। घबराओ नहीं, मैं हूँ तुम्हारे पीछे, इत पे नाच ही जा। ओके यहाँ पर तो कोई ऑटो या टैक्सी भी नहीं मिल रही, लगता है घर पैदल ही जाना पड़ेगा। सर कोई पीछा कर रहा है क्या? नहीं अभी तक तो कोई दिखा नहीं, तुम आगे बढ़ो, देखते हैं शायद कोई इंतजार कर रहा हो। मुझे लग रहा है कि कोई मुझे फॉलो कर रहा है। वो है क्या? नहीं तारिका, ऑल क्लियर। ओके सर। अपूर्वी सब ठीक है? सर या तो अटैकर आज डांडिया खेलने आया नहीं है, या फिर शायद शायद किसी और लड़की के पीछे गए। देखते हैं, थोड़ा और इंतजार करते हैं। तारिका सब ठीक है? तारिका आ दे, क्या चक्कर है? लगता है तारिका पे अटैक हुआ है। तारिका पे अटैक हुआ है पूरी, मैं वहां जा रहा हूँ। सर मैं अभी पहुंचती हूँ। ओह नो, तारिका ठीक हो तुम? हाँ मैं ठीक हूँ। बट ये तो भाई वो गरबा वाला। बाल काटने का बहुत शौक है तुझे, हाँ? तेरे लिए सलून खुलवाते हैं हम लोग। बोल, दिया को क्यों मारा? नहीं सर, मैंने किसी को नहीं मारा। झूठ बोल रहा है? हैं? नहीं सर, मैंने किसी को नहीं मारा सर, मैं सच कह रहा हूँ। लड़कियों के बाल काटता है? हैं? क्या है ये? साइनोफोलिमस। साइनोफोलिमस? इससे तो इंसान सिर्फ बेहोश हो सकता है, मर नहीं सकता। सर मैंने कहा था ना सर, मैंने किसी को नहीं मारा, मैं लड़कियों को बेहोश करने के लिए सर इसका यूज करता था, ताकि उनके बाल आसानी से काट सकूं। दिया को मारा कैसे फिर? सर नहीं मारा मैंने, सर मैंने किसी को भी नहीं मारा। अरे क्या
इस पॉसिबिलिटी है क्या कि इस केमिकल से दिया की मौत हो जाए? सिर्फ अगर दिया को इस केमिकल की एलर्जी है, सिर्फ इसी केस में वो मर सकती है, अदरवाइज तो देखो ना, टेस्ट वेस्ट करो, पता करो। हाँ, टेस्ट करती हूँ। तो चल, तेरा बाल कटेगा ब्यूरो में, चल। ये पूर्वी का है, उसे तो यहाँ आ जाना चाहिए था अभी तक। पूर्वी को तो फोन नहीं उठा रही है। पूर्वी, लैंडलाइन ट्राई करो। सिर्फ बेल जा रही है। पूर्वी, पूर्वी, पर मुजरिम तो हमारे साथ था, तो फिर ये सब किया किसने? इसका मतलब दो लोग हैं और दोनों एक ही तरह का अपराध कर रहे हैं। पूर्वी, पूर्वी, ठीक हो? क्या हुआ? सर, वैसे ही हुआ सर। पहले घर में पिछली चली गई और फिर मेरी आंखों पे एक तेज रोशनी हुई और मैं बेहोश हो गई। क्या? लेकिन सर, ये सब करने वाली एक लड़की थी। लड़की? वह लड़का और यहाँ लड़की, चक्कर क्या है? कोई बात नहीं, बाल तो कट गए ना, अब ये कटे हुए बाल ही हमें उस तक पहुंचाएंगे। देखिए सुमन जी, आप कुछ ज्यादा डिमांड कर रही हैं। देखिए गगन जी, आपने जो काम दिया है ना, वो कोई आसान नहीं है, बहुत ही खतरा है उसमें, तो आपको हमारे पैसे बढ़ाने होंगे। ठीक है, मुझ पे भरोसा रखो, मैं बाद में बढ़ा दूंगा। बाद में नहीं, अभी बढ़ाइए। ये क्या है गगन जी? ये देखो, इन बालों में काफी अजीब तरह की जू है। पहले कभी ऐसी जू देखी नहीं। देखोगे भी नहीं, क्योंकि ये जू सीआईडी के लिए काम करती है और इसका नाम है माइक्रोस्कोपिक ट्रैकिंग डिवाइस। इसलिए मैंने तुम्हें अपने बाल काटने दिए, ताकि इन बालों के जरिए हम यहाँ पहुंच सके और देख सके कि माजरा क्या है। सर, मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे गगन जी से पैसे मिले थे ये सब करने के लिए। गगन जी पैसे देंगे और बोलेंगे कुएं में कूद जाओ तो कूद जाओगे? अब बताओ, क्यों करवाया तुमने ये सब? मैं जो आपको बात बताऊंगा वो आपको थोड़ी अजीब सी और अटपटी सी जरूर लगेगी, मगर ये सच है। ये सच है कि हमारे धंधे में इंसान के बालों की कीमत सोने से कम नहीं होती। लाखों करोड़ रुपए ये कमा के देके जाते हैं हमें। विग्स, हेयर एक्सटेंशन, नकली आई लैशेस, फर्टिलाइजर और एमिनो एसिड जैसी कई चीजें बनती है। सर, आप सोच भी नहीं सकते ये बालों से क्या क्या बनता है। हाँ ठीक है, ठीक है, जनरल नॉलेज बहुत हो गई, मुद्दे पे आओ, क्यों कर रहे हो ये सब? इस पूरे शहर में यही एक फैक्ट्री है जो हेयर प्रोसेसिंग का काम करती है। सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर अचानक ये इंसान के बालों की सप्लाई कम होने लगी। इस शहर की लड़कियों के दिमाग में ये फितूर कहां से आ गया कि बाल लंबे होने चाहिए, और सब बाल बढ़ाने लगी। ऐसे में मैंने सोचा कि कुछ ऐसा प्लान करना चाहिए ताकि ये लड़कियां खुद बखुद आए अपने लंबे बाल को छोटा करवा ले। तो तुमने सोचा क्यों ना ऐसा माहौल बना दिया जाए शहर में जिसे लड़कियां डर के मारे खुद अपने बाल कटवाए, हां, और तुम्हारे लिए मुनाफा ही मुनाफा। हाँ, और इसलिए मैंने इस काम के लिए दो लोगों को रखा, सुमन और राजू। सर, हम दोनों डांडिया में जाके लंबे बाल वाली लड़कियों को चुनते थे, मैं स्ट्रेट बाल वाली लड़कियों को और वो घुंघराले बाल वाली लड़कियों को।
हम उनका पीछा करके उनके घर तक जाते। 800 लुमेन की तेज रोशनी वाली फ्लैश लाइट हम उनकी आंखों पे मारते। उसके बाद केमिकल से हम उन्हें बेहोश करते, उनके बाल काटते और हम दोनों वहां से भाग जाते। चलो, ये तो समझ में आया कि क्यों और कैसे करते थे, पर इन सब चक्करों में दिया की जान क्यों ली? सर, मैंने नहीं मारा उसे, पता नहीं कैसे मरी वो। शायद उसी केमिकल से जिसे तुम लोगों को बेहोश कर रहे थे। हो सकता है उसे उसकी एलर्जी हो और उसी में उसकी जान चली गई। सर, मुझे कैसे पता होगा कि उसे एलर्जी थी? और ऐसे आप लोग मुझे झूठे खून के इल्जाम में गिरफ्तार नहीं कर सकते। आचार्य साहब। हाँ जी, वो मैंने दिया की बॉडी पर टेस्ट किए थे, उसे तो ज़िलोफोलेमस नाम के केमिकल से कोई एलर्जी नहीं थी। अभिजीत दिया की मौत हुई है दम घुटने की वजह से। एक और बात अभिजीत, मुझे दिया के फेफड़ों में एक फाइबर का टुकड़ा मिला है, किसी कपड़े के फाइबर का। इसका मतलब साफ है किसी ने किसी कपड़े से, हो सकता है किसी लकीर से उसका मुंह दबाया होगा, जिसकी वजह से उसका दम घुट गया और उसकी मौत हुई। मतलब दिया के बाल काटने के बाद और हमारे वहां पहुंचने से पहले कोई और भी तो था दिया के घर में जिसने दिया का मुंह तकिए से दबा दिया और उसकी जान ले ली। मतलब खूनी का इस बाल वाले केस से कोई लेना देना नहीं? ना पंकज, ये खूनी कोई और ही है, कोई और। खूनी उन दोनों में से कोई है, उन दोनों में से जिन्हें दिया ने एसएस मैसेज भेजा था। समर, तुम्हारा मोबाइल फोन साइलेंट मोड पे था, इसलिए दिया का एसओएस मैसेज तुम देख नहीं सके, है ना? जी सर। और नवीन, तुम्हारी फोन की बैटरी चली गई थी, राइट? राइट सर। झूठ। सर, हम लोग झूठ क्यों बोलेंगे सर? तो क्या मोबाइल कंपनी वाले झूठ बोल रहे हैं? ये उनकी रिपोर्ट है, इसके रिकॉर्ड से साफ पता चलता है कि तुम दोनों अपने अपने घरों में नहीं थे। सर, मैं अपने घर पे ही था सर। फिर झूठ, झूठ बोल रहे हो तुम? तुम राधिका के घर में थे? राधिका? राधिका सर, सर मैं किसी राधिका में? वही राधिका, तुम्हारी दूसरी गर्लफ्रेंड, जिसके लिए तुम दिया से ब्रेकअप करना चाहते थे। ओ, हमें कैसे पता चला? वो ऐसे इस डायरी की वजह से, दिया की पर्सनल डायरी, पहचाना? इसमें उसने अपनी आपबीती लिख दी है। बहुत प्यार करती थी ना तुमसे? उतना ही प्यार जितना ये नवीन करता था दिया से। क्या नवीन तुम दिया से प्यार करते थे? हाँ, इतना प्यार कि इसे चिंता रहती थी दिया की सुरक्षा की, और इसीलिए इसने उसके लिए वो पेंडेंट ला कर दिया। और एसओएस मैसेज मिलने के बाद ये तुरंत उसके घर पे पहुंचा था। तो नवीन, उस रात घर में क्या हुआ ये तुम बताओगे या फिर हम लोग बताएं? सर, उस रात दिया, 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 उठो, पानी, दिया, 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 उठो, दिया, दिया, तुम ठीक हो? दिया, दिया, ये सब किसने किया है? तुम्हें किसने मांगा है? समर कहाँ है? क्या कहा तुमने? समर कहाँ है? मैं अपना सब काम छोड़ छाड़ कर भागा भागा तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ और तुम कह रही हो कि समर कहाँ है? एसओएस मैसेज तो उसे भी मिला होगा, तो वो तुम्हारी मदद करने के लिए क्यों नहीं आया जब तुम्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है? क्या सुनो, अगर इस दुनिया में कोई तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करता है वो बस मैं हूँ, बस मैं, और कोई नहीं, समर भी नहीं। नवीन, मैं तुम्हारी भावनाओं की कदर करती हूँ, लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करती। प्लीज ये सब छोड़ो और पहले मुझे खोलो और पुलिस को बुलाओ, लगता है किसी ने मेरे बाल काट दिए। कटे हुए बाल तो वापस भी आ सकते हैं, लेकिन टूटा हुआ दिल दोबारा नहीं जोड़ सकता। नवीन, नवीन कहाँ जा रहे हो? नवीन, क्या कर रहे हो? नवीन, 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 सब प्यार बहुत दर्द देता है। अगर मैं दिया से इतना प्यार ना करता तो शायद मैं उसकी जान भी ना लेता। प्यार
जिसे तुम प्यार कहते हो वो प्यार नहीं है, खुदगर्जी है। अगर सही मायने में तुम दिया से प्यार करते हैं तो उसकी खुशी को अपनी खुशी मानते हैं, मगर नहीं, तुम सिर्फ उसे पाना चाहते थे बस। अपने प्यार को बचाने के लिए लोग अपनी जान कुर्बान करते हैं, प्यार का गला नहीं घोटते। इस प्यार की झूठे बुखार ने तुम्हें खूनी बना दिया, अपने प्यार का खून कर दिया तुमने, मार डाला दिया को, तुम्हें तो शायद फांसी ही होगी। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.